भुसावळ शहरातील ओम पॅथॉलॉजीच्या मालकानं परवानगी नसतानाही रेमडेसिवीर इंजेक्शनची जास्त दरानं विक्री केल्यानं भुसावळ पोलिसांकडून आणि नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. लॅब मालक विशाल झोपे आणि लॅब टेक्निशियन गोपाळ इंगळे यांना ताब्यात घेऊन त्यांची चौकशी सुरू आहे. याबाबत अधिक माहिती दिली आहे आयपीएस अधिकारी अर्चित चांडग यांनी. वहाँ पे जो इनकी लैब है उनका ये विरोध था कि हमारी लैब सील न की जाए, क्योंकि उनका ये कहना था कि उनके नॉलेज के बिना ये काम ये टेक्नीशियन कर रहा था. बट वहाँ पे लैब सीलिंग का काम नगर पालिका का है, तो नगर पालिका ने अपने पावर के अंदर वो लैब सील करी है. अच्छा. और उस पर नगर पालिका अपनी कार्रवाई करेंगे. हमारा पुलिस का ये काम था एफडीए के साथ, अगर रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो उसको रोकना, ताकि जो जो लोग को जरूरत है सच में इसकी उन तक ये दवाई पहुंच सके. झोपे जी ये खरीदते थे कितने में और बेचते थे कितने में? ये जो गोपाल नारायण इंगड़े है इसने ऐसा बताया कि जिससे इसने खरीदी है 20,000 के आसपास खरीदी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये इससे ऊपर के प्राइस में आगे कस्टमर को बेचता होगा. तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट इसका अभी 5,400 एमआरपी है और आधा कर दिया शायद सरकार ने, तो उसके बाद ये 20,000-25,000 में अगर बिक रही है तो काफी गंभीरता वाली बात है, तो उसको हम पूरी चौकसी कर रहे हैं. आपकी टीम ने परचेस किया था वहां से क्या ये रेमडेसिविर? हमको एक गोपनीय कस्टमर जिसका मैं नाम ही लेना चाहूंगा, उनने ऑलरेडी परचेस किया था और उनने हमको प्रॉपर बताया था कैसे क्या परचेज हुआ, उसके बाद हमारी ये रेड हुई. हमने कुछ परचेस नहीं किया बट हमारी रेड के अंतर्गत ही हमको मालूम पड़ा. ये आरोपी कहां से अटक करे आपने? ये ओम पैथोलॉजी लैब्स दोनों वहाँ पे थे. दोनों वहीं थे क्या? जब हमने रेड किया तब वहाँ पे थे. सर ये रेमडेसिविर कहाँ छुपा रखा था? जब हम गए थे तो हमारे सामने ही भागते हुए अपने बाथरूम में चले गए थे, और हमने जब बाथरूम में गए तो एक शर्ट के नीचे ये 5 बॉटल्स थी. तो सर उनके घर में अभी ये लैब थी, तो पूरे घर की सर्चिंग हुई है? हाँ, पूरे घर की सर्चिंग हमारे पंच सहित पंचों के साथ प्रॉपर की गई है. उनसे पूछताछ भी करी कि और है, तो उनने कहा कि नहीं है, और सर्चिंग में भी हमको ये 5 बॉटल ही मिले. घटनास्थल से कोई आरोपी फरार हुआ है? नहीं, घटनास्थल से कोई आरोपी. जागर जनस्थान साठी रविंद्र महाजन, जळगाव.